नमस्कार भैया। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है सर। प्रथम तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव है। राकेश यादव, जो ग्राम गड़रिया खेड़ा पड़ता है। अच्छा अच्छा, ग्राम साहब बंगालपुर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से जी। और ये आप जहाँ पर खड़े हैं, ये कौन सी फसल है भैया? यहाँ पे जो है गेहूँ बो रखे हैं। गेहूँ बो रखे हैं, तो गेहूँ में आपकी क्या समस्या है? गेहूँ में हमारी समस्या ये जो है, गेहूँ का तो पेड़ तो सही से जगह है जी, पर इसमें जो है गेहूँ के ब्यास कम है। जो गेहूँ में कई निकलते कल्ले वो नहीं है, निकल रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है। किसान भाइयों, मैं आज हरदोई जिला की गणरिया खेड़ा गाँव में हूँ। इनका भैया का नाम राकेश यादव है, और मैं ये भैया आलू की खेती के साथ साथ गेहूं की भी खेती करते हैं। तो इनकी जो गेहूं की खेती है, इसमें इनका कहना है कि ये देखिए, ये जो है गेहूं की जो पौधे हैं, इसमें कल्ले का फुटाव नहीं है, यानी कि इसमें जो है इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो देसी भाषा में आप जान सकते हैं कि खाभने, यानी कि पौधे में खाभने मतलब उसमें कल्ले का फुटाव नहीं है, उसका ब्यास नहीं है कल्ले में। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस मिट्टी में आप बुआई कर रहे हैं, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है और कौन सी मिट्टी है। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जिस मिट्टी में लगा हुआ है, एकदम बलुई मिट्टी है, जो कि हल्की पीली और सफ़ेद है। तो इस जो ऐसी मिट्टी है, जो ऐसी मृदा होती है किसान भाइयों, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो पौधों को भोजन बनाने के लिए या उनके कल्ले के लिए, ब्यास के लिए या विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की उपलब्धता चाहिए, वो परिपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। तो इसमें आप ऊपर से या अलग से आप जो कि कुछ पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे कि आप इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, कैल्शियम या और भी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो मिलाए जाते हैं, उसकी उपलब्धता आप इसमें करवाएं। उसके साथ साथ किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम आपको बता दें, आपको आपके घरों में जो जानवर पाले जाते हैं, जैसे गोबर की खाद सर्वप्रथम आप डालें। उसके बाद में यदि आपको गोबर की खाद नहीं मिल पा रही, तो जो मुर्गियों की खाद होती है किसान भाइयों, उसको आप इसमें ला के डालिए। और अगर मुर्गी की खाद नहीं मिल पा रही है, तो आपको बर्मी कंपोस्ट या आप हरी खाद डाल सकते हैं। हरी खाद जैसे कि आप इसमें भैंसा की बुआई करके आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसकी खड़ी फसल की जुताई कर दीजिए। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, भैंसा के साथ साथ आप जो है इसमें उड़द बहुत ही अच्छा है, उड़द की भी बुआई करके आप इसकी जुताई कर दें मिट्टी पलट वाले हल से। इसी मिट्टी में खड़ी फसल को आप जुताई करके पलट दें। तो किसान भाइयों, आपकी मिट्टी में, आपकी मृदा में जिन पोषक तत्वों की कमी है, उनकी कमी पूरी हो जाती है, जिससे आपके जो कोई भी फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, धान की फसल है या अन्य जो कोई फसल है, जिसका जब पर इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है किसान भाइयों, तो आपके पौधों के जो फसलें बोई जाती हैं, उनके पौधों का विकास, वृद्धि, कल्ले का फुटाव, ब्यास आदि कई प्रकार की समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यदि किसान भाइयों आपके पास ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध है कि आप इन देसी या घरेलू उपायों को करके आप अपनी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, तो किसान भाइयों आप मार्केट में उपलब्ध जैसे कुछ हार्मोन्स या आप टॉनिक के नाम से जिन्हें जानते हैं, सर्वप्रथम तो मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके गेहूं के पौधों में कल्ले का फुटाव, ब्यास नहीं हो पा रहा है इस समय, तो आप जिब्रेलिक एसिड 0.01% जो आती है, उसका आप छिड़काव 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं, जिनकी कुछ कंपनियों के व्यापारिक नाम जैसे सुमीटोमो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का, होसी के नाम से, इंडो गल्फ लिमिटेड कंपनी का, गजब के नाम से, और इंडो स्विस केमिकल्स कंपनी का, ग्रांड सुपर के नाम से दवा आपके नज़दीकी बीज भंडार कीटनाशक की दुकानों पर मिल जाएगी किसान भाइयों। इसके बाद यदि आपकी इसमें आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और कल्ले में फुटाव बहुत ही कम है, तो आप नागार्जुना कंपनी का, जो कि
अटोनिक के नाम से आती है, आप उसका लाकर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपको ये भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है आपके नज़दीकी कृषि कीटनाशक दुकानों पर, तो आप बिल्लोवुड कंपनी का ब्रांड एसएल ला सकते हैं, और इसके बाद में आप वो ईसा एग्रो कंपनी का, जो कि अब जीवा एग्रो में परिवर्तित हो गई है, उसका सिप्टान 10L लिखा होता है सीसी पर, वो ला सकते हैं। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको छिड़काव या धुलाई करने में समस्या हो रही है, तो आप कुछ दवाओं को, जैसे जिब्रेलिक एसिड जो है, आप यूरिया के साथ भी मिश्रित करके आप इसको डाल सकते हैं। अटोनिक जो आती है नागार्जुना कंपनी की, उसको भी आप यूरिया के साथ मिश्रण बनाकर डाल सकते हैं इसमें, जिससे आपको धुलाई करने से बचत हो जाएगी, और आपकी जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं, जो यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन देना चाहते हैं पौधों को, जिससे बढ़वार अच्छी हो जाती है किसान भाइयों, उसी में मिलाकर आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय गेहूँ की फसल में पत्तियाँ पीली बहुत पड़ती हैं, तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, जब आप कोई पोषक तत्व दे रहे हैं, जैसे आप यूरिया दे रहे हैं, तो उसके साथ आप जिंक, जो कि 33% जिंक और 15% सल्फर का मिश्रण होता है, उसको भी आप यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिससे आपके गेहूं में पीलेपन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, पौधे में हरापन, पौधों का विकास, वृद्धि और ग्रोथ, उसके साथ साथ ब्यास की भी समस्या आपको इस बताए गए उपाय के माध्यम से आप इसका उपयोग करके समाप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।